सो हेलो गाइस, दिस इज कल्पक चिंचोलकर एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम देखेंगे स्टिल लाइफ। ओके, सो स्टिल लाइफ में हम देखेंगे आज बकेट कैसे ड्रॉ करते हैं और पेंट करते हैं, उसमें कितना मेजरमेंट लेना चाहिए, बुक के हिसाब से कितना आना चाहिए। उसके बाद जार देखेंगे और कोकोनट देखेंगे। सो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जितना पेज है उस हिसाब से, मतलब अगर A3 साइज़ का अगर पेज हो तो आप तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर और A4 साइज़ का पेज हो तो 1 सेंटीमीटर इतनी बाउंड्री छोड़ के अपनी बाउंड्री ड्रॉ कर लीजिएगा इतने बाउंड्री पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 1.5 सेंटीमीटर की बाउंड्री छोड़ूंगा। ये बाउंड्री हो गई अपनी। उसके बाद हम इस हिसाब से अपने जो ऑब्जेक्ट्स है वो कितने बड़े आने चाहिए, मतलब बकेट कितनी होनी चाहिए, मतलब जिससे पूरा पेज ऑक्यूपाई करे, तो मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बॉडी मार्क कर लीजिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक बकेट होगी। उसके बाद यहाँ पे मैं जार बनाऊंगा और यहाँ पे प्लेट में मैं कोकोनट बनाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बकेट बनाते वक्त याद रखिए कि हमें बकेट कितनी बड़ी चाहिए। इसके हिसाब से अगर मैं तकरीबन 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइट पेंसिल से कीजिएगा। उसके बाद उसका मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। देन यहाँ पे अब अंदर का हमें भाग बनाना है, तो इसके पहले यहाँ पे एक ऐसा सी ड्रॉ कीजिएगा, दैट विल बी द कॉर्नर, और यहाँ पे उल्टा सी ड्रॉ कीजिएगा। ध्यान से देखिए, सी इस तरह आना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा सी, फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा सी, तो इस टाइप के ना बनाइएगा। उस प्रोपोर्शन में होना चाहिए कि आपका सी, मतलब जिससे वो थिकनेस उतना कैरी कर सके।
और फिर ये ज्वाइन कर दीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएगा उसका बकेट का एज, जो तकरीबन इतना थिकनेस होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ टाइम एलिमेंट्री इंटरमीडिएट में बकेट या पॉट यही आता है, सो हम बकेट की प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद जब उसकी होल बॉडी बनाने के लिए, तो याद रखिएगा इस एज के थोड़ा सा इस साइड और इस एज के थोड़ा सा इस साइड। अब इसका जो लाइंस बनानी है उसकी बॉडी, तो याद रखिएगा ये स्ट्रेट कभी भी नहीं आती। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसमें थोड़ा सा वो टिल्ट आएगी, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये स्ट्रेट लाइन है पर ये कभी भी ऐसा नहीं आएगा, आप प्लीज़ इस पर गौर कीजिएगा। थोड़ा सा ये टिल्ट आएगी, आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आप फ्री हैंड हो और थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ यूज़ द फ्री हैंड। इस प्रकार का आएगा और उसके साइज़ के हिसाब से बकेट की लेंथ होनी चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि काफ़ी बड़ी हो गई या काफ़ी छोटी हो गई। सो इस प्रोपोर्शन में वो थोड़ा सा आप अंदाज ले लीजिएगा। ये बकेट हो गए, अब इसका हैंडल ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार इसका हैंडल का वो आएगा, और हैंडल ड्रॉ करते वक्त ये पेंसिल थोड़ा दूर पकड़िए, क्योंकि जब कभी आर्क बनाना होता है काफ़ी बड़ा आर्क, तो पेंसिल कभी भी दूर पकड़िएगा। ये बकेट हो गए, उसके बाद हम बनाएंगे जार। इसका भी आप लेंथ ले सकते हैं आपके हिसाब से, तकरीबन अगर मैं इतना लेता हूँ ये है, ओके ठीक है, मैं 3 सेंटीमीटर लूँगा। 3 सेंटीमीटर काफ़ी छोटा हो जाएगा, मैं 4 सेंटीमीटर लेता हूँ। अब 4 सेंटीमीटर वही प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप सेंटर लाइन खींच लीजिएगा, 4 सेंटीमीटर का हाफ 2 सेंटीमीटर होता है। वेरी गुड। उसके बाद सी, उल्टा सी, और फिर जॉइन इट। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब आर्क बनाना था पेंसिल दूर पकड़िए गए, तो दिस इज़ द प्रोसीजर। ये और याद रखिएगा, ये जब यहाँ के कॉर्नर्स आप बनाते हो, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा कॉर्नर्स ब्रॉड नहीं हो, उसके बाद ज़्यादा इस टाइप का वर्टेक्स टाइप कॉर्नर ना हो जिससे यहाँ पे पॉइंट आए, तो दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा ना आए, इसका भी ख्याल रखिए। उसके बाद आप फिर यहाँ का इनसाइड का जो अपन लाइन बनाए वो इरेज कर सकते हैं।
फिर जो अंदर का पार्ट बनाना होता है तो वो गौर से देखिएगा, अगर जब हम अंदर का पार्ट देखते हैं जो यहाँ पे थिकनेस होती है जहाँ से हम मतलब जो ओपनिंग पार्ट होता है, तो अगर इस लाइन से देखें तो यहाँ पे वो थिन होगा और यहाँ पे वो थिक होगा, ये बात गौर कीजिएगा। मतलब ये ऐसा आएगा और यहाँ से बड़ा दिखेगा हमें, क्योंकि ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, इसलिए ये थिन होगा, ये थिन होगा और ये थिक होगा। इस प्रकार। और अंदर की बात करें तो अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइप का होता है, जिससे ये अंदर जो ये होता है ये इनसाइड पार्ट होता है जो डार्क होगा। इसके बाद इसकी बॉडी बनाएंगे, और जब हम इस प्रकार की चीज़ें अब गोल बनाना है तो हम प्रपोर्शन ये थोड़ा ये हो जाते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट सेम आना चाहिए। तो इसके लिए मैं भी टेक्निक बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पार्ट ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं आर्क निकालने के लिए पेंसिल दूर पकड़ी है, इस प्रकार। अब दूसरा भी प्रोपोर्शन सेम आना चाहिए, क्योंकि हम ये ज़रूरी नहीं कि जो इस प्रकार निकले तो उसका दूसरी साइड भी वैसे निकले। तो आप एक एक कर सकते हैं कि इसकी लेंथ मार्क कीजिएगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक है 3 सेंटीमीटर, तो मैं ये यहाँ से यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर मार्क करता हूँ और वहाँ से इधर 3 सेंटीमीटर मार्क करता हूँ। ओके, उसके बाद मिड पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे है ये 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मार्क करके यहाँ पे भी मैं 4 सेंटीमीटर मार्क करता हूँ। उसके बाद यहाँ से आता है ये 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे मार्क करके फिर मैं आगे भी 3.5 सेंटीमीटर मार्क करता हूँ, और वो फाइनली यहाँ पे मैं 2 सेंटीमीटर मार्क करके यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर मार्क करता हूँ। और नाउ इट्स इजी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और पेंसिल डार्क नहीं चलानी है, काफी लाइट चलानी है। जिससे अगर गलत हुआ इरेज करने पर वो मार्क ना छोड़े कुछ। अब ये अपना जार हो गया, उसमें फिर ये वाला पोर्शन होता है, पर याद रखिए ये पोर्शन सीधा ना होके थोड़ा सा, क्योंकि ये सर्कुलर है तो इस टाइप का होगा ये। ओके, सो ये बॉडी हो गए। इसके बाद याद रखिए जो अपना बकेट हो गए वो हमेशा एक टेबल पे रखा, मतलब एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के एग्जाम पे तकरीबन ये एक टेबल पे होता है छोटे से, तो एक टेबल में ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे कैसे शेड्स आएंगे वो कलरिंग के वक्त देखेंगे, इस प्रकार का टेबल होगा। और फिर यहाँ पे कुछ फोल्ड्स एंड ऑल। ओके, तो फिर इसके बाद मैं एक पैलेट निकालूंगा, जिसमें कोकोनट होगा। तो और प्लेट निकालते वक्त थोड़ा सा बड़ी साइज में निकालेंगे, जिससे वो कोकोनट दिख सके, और प्लेट भी इतनी बड़ी, मैं बड़ी प्लेट निकालूंगा। और अंदर का पार्ट भी ज़रूरी है, जिससे वो प्लेट डीप होती है, कितनी डीप है ये पता चले। सो ये हो गया।
प्लेट, फिर आप कोकोनट निकाल सकते हैं। और याद रखें कोई भी चीज़ छोटी ना निकाले, काफ़ी बड़ी निकाले, जिससे ऑब्जेक्ट को कलर करने में आसानी हो। कोकोनट निकालते वक्त एक काम कर लीजिए, आप पहले राउंड शेप मार्क कर लीजिएगा ऐसा बेसिक के लिए। उसके बाद यहाँ पे आएगा उसका टेल पार्ट और यहाँ पे आएगा उसका हेड पार्ट। इस प्रकार का कोकोनट होता है। वेरी गुड, इतना भी किए तो भी काफ़ी होगा। उसके बाद अगर कभी कभी क्या होता है कि बकेट में, हमारे बकेट में यहाँ पे क्लोथ वगैरह डाल के देते हैं, अगर अंदर से क्लोथ और फिर वो इस तरह होता है, तो वो क्लोथ कैसे निकालते वो भी देखते हैं। एक काम कीजिएगा, ये जो हमने रफ लाइन निकाली थी इसे इरेज कर लीजिए। हाँ, वेरी गुड। सो अब क्लोथ निकालेंगे। इस प्रकार का क्लोथ होगा और फिर यहाँ का जो क्लोथ होगा मैं लास्ट तक ले लेता हूँ। इस प्रकार का, और यहाँ पे कुछ फोल्ड्स होगी। तो यहाँ पे हमारा ड्राइंग जो है, और फ्लोर फूल ज़्यादा ना बनाइए वरना वो अच्छा ना दिखेगा। सो हम शुरू करते हैं कलरिंग से। तो हम कलरिंग पहले बकेट की करते हैं। तो बकेट की कलरिंग करने के लिए हम ब्लू कलर यूज़ करेंगे। तो ब्लू में कैसे शेड्स होंगे तो मैं बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू के लिए आप लेंगे पर्शियन ब्लू, सो बकेट करने कलर करने के लिए हम लेंगे पर्शियन ब्लू। उसके बाद प्लेन ब्लू, स्काई ब्लू भी बोल सकते हो, उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग करने के लिए वाइट। सो ये तीन कलर्स लेंगे हम। तो देखिए हम कैसे करें, और ये एक्रेलिक कलर्स है, पर आप पोस्टर कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पोस्टर कलर इजी जाते हैं, और ये जो है ये इसको मिक्सिंग करने में ये जल्दी सूख जाते हैं, तो इसका मिक्सिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है। सो आप पोस्टर कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाऊँगा आपको। सो मैं एक ब्लू कलर लूँगा, डार्क ब्लू। मैं डार्क ब्लू कलर लूँगा और देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये इसमें कवर हो जाएगा, कोई बात नहीं, या आप इसको छोड़ के ना कीजिए, ये इसमें कीजिए। मैं बताता हूँ वो बाद में कैसे करना है। आप अब इतना पार्ट में हमें डार्क करना है, इतने पार्ट में हमें लाइट करना है, और इतने पार्ट में सुपर लाइट करना है। तो देखिए कैसे होता है। ब्रश को चलाते वक्त ध्यान से चलाइएगा, और अगर इसको यूज़ करते वक्त फ्लैट ब्रश ही यूज कीजिएगा, जिससे वो कलर प्लेन आए। इस प्रकार और ये सूखने से पहले ही
ये सूखने से पहले याद रखिएगा, ये सूखने से पहले दूसरा जो सेकंड कलर है अपना वो कलर इसमें मिक्स कर लीजिएगा, जिससे वो मिक्स जल्दी हो। थोड़ा सा पानी लीजिएगा जिससे वो मिक्स हो, और ज़्यादा भी नहीं तो वो वाइट छोड़ सकता है। फिर उसमें थोड़ा वाइट डालिएगा। और हाँ, एक बात याद रखा, जब वाइट का इस्तेमाल कीजिए तो वही ब्रश वाइट में ना डाले, उसके लिए न्यू ब्रश यूज कीजिए, वो वाइट में डालिए और फिर मिक्सिंग के लिए आप उसे निकाल लीजिए। ये देखिए, मैंने मिक्सिंग के लिए वाइट कलर निकाला है। अब उसमें जो अपना जो कलर है लाइट ब्लू और ये वाइट, ये मिक्स कीजिए। और याद रखिएगा, वाइट का प्रोपोर्शन ज़्यादा ना हो जिससे वो बकेट को सूट करे। अब ये कलर मैं यहाँ पे मारूँगा। मैंने कहा था ये सूखने से पहले यहाँ पे मार लीजिएगा, और मिक्सिंग के लिए आप थोड़ा सा पानी लीजिए। जब कॉर्नर्स की बात आती है तब ब्रश काफ़ी हल्के स्लोली चलाइएगा, नहीं तो ये वहाँ पे आगे मिक्स हो सकते हैं। इस प्रकार अब फ्लैट ब्रश का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, अब पॉइंट ब्रश का इस्तेमाल करूँगा, जिससे ये और ये अंदर का भाग मैं कर सकूँ। देखिए, बस यहाँ तक ही। उसके बाद नेक्स्ट कलर लाइट ब्लू या कोबाल्ट ब्लू। उसमें सूखने से पहले याद रखिए, सूखने से पहले थर्ड कलर जो है लाइट, और आप वाटर से दोनों को मिक्स कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का बीच का कलर मिक्स करके, दोनों को कलर मिक्स करके बीच में मार सकते हैं, जिससे वो पूरा दोनों में मिक्स हो। इस प्रकार भी हो सकता है, पर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल भी पेज को ख़राब कर सकते हैं, तो याद रखिए प्लीज़ आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें मिक्सिंग करने के लिए।
उसके बाद लाइट ब्लू, दैट इज कोबाल्ट ब्लू, इस प्रकार। अब जब इनसाइड का कलरिंग करते हुए तो याद रखिएगा, जिस कलर से ये पैटर्न किया है उस कलर से वो नहीं आएगा, क्योंकि जो इनसाइड का पैटर्न है, जब यहाँ से लाइट रेज गिरती है तो यहाँ पे डार्क आएगा, यहाँ पे लाइट और यहाँ पे फैन, इस प्रकार होगा। यहाँ पे अपना कॉटन भी है, सो इसे संभालते हुए उसके बाद कोबाल्ट ब्लू, और याद रखें मिक्सिंग करते वक्त वो सूखने से पहले उस पर मिक्स कर दीजिएगा, अगर वो सूख गए तो फिर बाद में दिक्कत होगी। इस तरह से काफ़ी अच्छा मिक्स हुआ है। अब उसके बाद अब जो अपना हैंडल है, जो हमने कहा था कि उसे उसमें भी कवर कलर कर लीजिए, अगर हम उतना कलर छोड़ते जाते यहाँ तक तो हमें काफ़ी दिक्कत होती, तो अब इस पे छोड़ने के लिए, अब इसको कलर करने के लिए आप यहाँ से बाय आप यहाँ से मेजरमेंट लेके यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो फिर से पेंसिल लीजिए और यहाँ पे मार्क कर लीजिए कि अपना कैसा था, यहाँ पे अपना हैंडल था। इस प्रकार जी हो गया। अब यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ पे कलर करेंगे, और याद रखिए हैंडल करने के लिए आप ब्लैक प्लस वाइट इस्तेमाल कीजिए, और ब्लैक काफ़ी लिटिल में होना चाहिए, अगर ज़्यादा रहा तो वो ग्रे नहीं हो पाएगा, सो मैं थोड़ा सा ब्लैक लूँगा, काफ़ी थोड़ा सा, और इस वाइट में मिक्स करूँगा, सॉरी ये काफ़ी छोटा ब्लैक लिया है मैंने, हाँ इस प्रकार देखिए। अब ये ब्लैक कलर में मारूंगा इसके हैंडल पर, देखिए ध्यान से कीजिएगा, और इसके लिए पॉइंट ब्रश का इस्तेमाल कीजिए, वेरी गुड।
और यहाँ पे लाइट कलर से यहाँ का हुक बना लीजिएगा। इस प्रकार उसके बाद मैं यहाँ से आउटलाइन निकालूँगा जिससे डार्कनेस दिखे, वही कोबाल्ट ब्लू लीजिए, आई मीन डार्क ब्लू लीजिए। तो यहाँ से आउटलाइन लीजिएगा, ये पॉइंट ब्रश से ही कीजिएगा। उसके बाद लाइट कलर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा वाइट डाल के जहाँ पे हमें यहाँ पे बाउंड्री देनी है। और इस साइड इस प्रकार आएगा। और याद रखें इस हैंडल की शैडो इस पर गिरेगी, इसलिए थोड़ा सा ब्लू यहाँ पे भी दिखेगा, जिसकी शैडो दिखे। इस प्रकार और ये होने के बाद फाइनली यहाँ पे जब कोई लाइट गिरता है तो यहाँ पे ज़रूर ये लाइटनेस आता है, तो यहाँ पे लाइट आएगा। सो वाइट कलर लीजिएगा और वाइट कलर देने के बाद देखिए हाईलाइट कैसे दिया जाता है। ऐसा ब्रश पकड़ के बस ऐसा छोड़ दीजिएगा, बस इस प्रकार लाइट आएगा। उसके बाद हम करते हैं अब जार को कैसे कलर करना है देखते हैं। इसके लिए हमें तीन कलर की ज़रूरत है, ब्राउन येलो ऑकर एंड येलो। येलो ऑकर नहीं है मेरे पास, तो मैं ब्राउन में ही येलो डाल के मैं बनाऊंगा। तो ये ब्राउन कलर है और ये येलो, तो इससे हम ये जार को कलर करेंगे, देखते हैं कैसे होगा।
पहले ये ब्राउन कलर लीजिए। पहले ब्राउन कलर लिया मैंने, अब मैं यहाँ पे मारूंगा। देखिए डार्कनेस यहाँ पे है, तो यही डार्कनेस आना चाहिए, याद रखिएगा। फिर इसमें थोड़ा सा येलो मिक्स कीजिए, मतलब येलो ऑकर होने के लिए, जिससे येलो ऑकर का टच मिले। इस प्रकार। और ये सूखने से पहले हमें अब थोड़ा सा येलो ऐड कर लेना है। ये देखिएगा, ये लेमन येलो नहीं है, ये क्रोम येलो है। और ये ऐसा ना आने तो वाटर से मिक्स कर लीजिएगा, मैंने पहले भी कहा है, पर ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा करेंगे तो वो कलर निकल जाएगा। इस प्रकार से हो गया। उसके बाद उसका निचला हिस्सा करते हैं, जो कि वाइट होता है, मतलब हमें ग्रे यूज करना है, ग्रे और वाइट। पर उससे पहले ये भी होता है, ब्राउनिश होता है, तो इसमें भी हम देंगे। फिर इसमें ये लगा कर याद। उसके बाद डार्क ब्लू जो है, डार्क ब्लू निकाल के हमें यहाँ पे आउटलाइन करना है। याद रखिए वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, जिससे वो कलर निकले।
इस प्रकार लाइट शेड भी दे दिया। अब यहाँ पे आएगा वाइट शेड मतलब ग्रे, वाइट और ब्लैक मिक्स करके हम यहाँ पे देंगे। पर याद रखिए ब्लैक ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिए, वाइट ज़्यादा होना चाहिए। तो थोड़ा सा बस ब्लैक डालता हूँ मैं, इतना काफ़ी होगा। और सूखने से पहले ही वाइट याद रखिए। इस प्रकार इस प्रकार आएगा। और मिक्सिंग अच्छी तरीके से कीजिएगा, जिससे ये इसमें इस तरह का ना दिखे। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे बाउंड्री उस तरह सा ना हो। उसके बाद अंदर का पोर्शन भी ब्लैकिश होता है, तो मैं वहाँ पे भी करना चाहूँगा। और यहाँ पे वाइट डिश इस प्रकार से, और यहाँ पे पूरा ब्लैक होगा मतलब थोड़ा सा डार्क होगा अंदर। अब हम देखेंगे कि ये कोकोनट कैसे करते हैं। इसके लिए भी हमें सेम प्रोसीजर है, मतलब येलो ऑकर, येलो ब्राउन एंड येलो। और यहाँ पे काफ़ी मुश्किल जाएगी, सो ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए हमेशा पॉइंट ब्रश और छोटा ब्रश यूज़ कीजिएगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राउन मैं यूज करता हूँ। अब डार्कनेस इस तरफ से, फिर सूखने से पहले येलो ऐड कीजिएगा, इस प्रकार के लाइन देने हैं जब कोकोनट बनाते हैं तो पॉइंट ब्रश से ऐसा ऐसा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी क्या बोलते हैं उसे, पार्टिकल्स टाइप होते हैं जिससे वो बाहर निकलते हैं इस टाइप से, तो फिर उसमें फिर येलो आकर मतलब ब्राउन में येलो ऐड करके सब। यहाँ पे हमें उसके जो पार्टिकल्स हैं मतलब रिब्स टाइप्स वो बनाने हैं, तो हमें उसके लिए काफ़ी पॉइंट ब्रश चाहिए होगा छोटा। अब और उसमें डार्क कलर लीजिएगा, डार्क ब्राउन, या ब्राउन में ब्लैक भी मिक्स कर सकते हैं। अब वो इस टाइप से होगा, इस प्रकार से। और इसमें थोड़ा सा ब्राउन प्लस वाइट मिक्स कीजिएगा जिससे उसमें भी शेड्स दिखे।
प्रकार से और थोड़ा लाइट देने की कोशिश कीजिए, जिससे उसके जो रिब्स है वो ऊपर आ सके। इस प्रकार का कोकोनट होता है। और पॉइंट ब्रश इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए इसको ऐसा फ्लैट करके इस टाइप से इस प्रकार का कोकोनट होता है। अब इसकी प्लेट देखते हैं कैसे बनाएंगे। इस प्रकार